नमस्कार साथियों, आज मैं आपका साथी सकेश मंच टोंक के इस फेसबुक ग्रुप पर सामने आपका स्वागत करता हूं। सभी साथियों और इस ग्रुप के टीम का पूरा मैं धन्यवाद करता हूं। और साथियों, आज हमें बातचीत जो करनी है वो है अभी जो एक मैं काफी पहले अभी पिछले मैंने 3 महीने लगातार एक कॉलम चलाया था, क्या आप लेखक को जानते हैं, क्या अपने लेखक को जानते हैं, क्या फलां लेखक को जानते हैं। तो ये चला 3 महीने लगातार चला, तो बीच में इसको बंद करना पड़ा मुझे। और कुछ जो आर्टिकल्स मैं एक हिस्सा उसका लगाता था उन्हें हाइड किया, क्योंकि गायब हो जाते हैं, मतलब किसी और के नाम से चले जाते हैं। ये एक आम बात है, ये वैसे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इस पर चर्चा करना, क्योंकि जब ये चला और मेरा जो अनुभव रहा वो बहुत ही समृद्ध करके गया मुझे। क्योंकि हम लोगों को किस नजर से देखते हैं, हम अपनी पूरी दुनिया को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। हम कई बार उसके निस्वार्थ काम को उसकी महत्वाकांक्षा मान लेते हैं, होनी भी चाहिए, महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन और दूसरा कि जब ये चला सीरीज चली, तो मेरा मुझे नहीं पता था कि इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि मैं मेरा किताबों के साथ संबंध बहुत अलग तरीके का है। हर एक व्यक्ति का अलग तरीके का होता है, आपका किताबों के साथ अलग तरीके का संबंध है, मेरा अलग तरीके का संबंध है, किसी और का अलग तरीके का संबंध है। आप हम और हम सभी किताबों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और उनका मौलिक दृष्टिकोण हो ये भी। किताबें मेरे लिए हासिल करना बहुत संघर्ष कर दो रहा है, मेरे लिए आज भी है। ये नहीं कहता हूं कि वो दिन गए, नहीं, ये अच्छी बात भी, मेरे को सिखा के जाता है जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में दृष्टिकोण बनाता है। और जब ये शुरू हुआ, इससे पहले जो मैं किताबें जिस तरीके से मैं हासिल करता रहा हूं, अच्छे तरीके कम बुरे तरीके ज्यादा, चोरियां भी किताबों की मैंने की है, ये कोई स्मरण के रूप में बहुत चोरियां की है मैंने किताबों की, और वो पढ़ने के शौक में और वो पढ़ता गया लगातार। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मैं चीज पढ़ रहा हूं, जो किताब मैं पढ़ रहा हूं, वो वाकई में आउट ऑफ प्रिंट है। और वो इतना महत्व, किताब तो अच्छी होती है, बहुत सी अच्छी होती है, बहुत सी बुरी भी होती है, औसत भी होती है, लेकिन ये चीजें बाद में मुझे पता चली कि वे लेखक जो मैंने पढ़े वो तो खैर है ही, उनका वो रचाव तो अद्भुत है ही, उसकी वजह दुखद स्थिति थी कि उन्हें कोई जानता ही नहीं। मेरी जनरेशन में जो अभी चल रही है, मेरे हम कुछ मुझसे बड़े भी और जो उम्र में छोटे, उनका खैर कहने क्या, जो अभी फेसबुक पर ही जो रचाव करने लगे हैं या पढ़ने लगे हैं, कुछ जिनकी शुरुआत चलो ठीक है, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि उनका नाम क्या है। और वे ऐसे नाम हैं जो सही से जाने चाहिए थे, वे सही से जाने चाहिए थे, वे नाम ऐसे थे। तो वो जरूरत जब महसूस उस समय नहीं हुई थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो क्या है, लेकिन जब इस पे जुड़ा और बहुत लंबे समय तक सोचता रहा इस चीज को, जब जिक्र करता कहीं किसी बहस पे, क्योंकि बहुत लंबा समय फेसबुक पर वैचारिक बहसों का रहा है मेरा, वो चीजें बाद में समझ आती है, सीखने की जो चीजें होती। तो उन रचनाकारों का जब इस मंच पर बहस के दौरान या कहीं भी जब मैं उन पे थोड़ा बहुत छोटी सी कोई टिप्पणी लिखा करता, जिसका कि चलन है एक, तो उन्हें कोई जानता नहीं, तो जरूरत मुझे महसूस हुई कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, उसको शुरू करना चाहिए। और इस प्रक्रिया को जब शुरू किया मैंने, जिसमें मैंने सबसे पहले राजस्थान से लिए, जो मुझे लगा कि इनको जानना जरूरी है, हमारे दौर के लोगों को, जिनमें आदरणीय शरद देवड़ा जो शेखावाटी के थे और हिंदी साहित्य का एक मील है, वो व्यक्ति मील थे, वो व्यक्ति आज भी है, जिन्होंने न केवल अणिमा के माध्यम से आज के हिंदी साहित्य में जो स्थापित नाम हम देखते हैं कहानी आंदोलन के माध्यम से, उन लोगों तक को पहली पहल जिन लोगों ने मंच दिया वो शरद देवड़ा थे, अणिमा में
वो ज्ञानोदय में रहे, वो कोलकाता में रहे, वो जयपुर में रहे। प्रकाश जैन थे जिन्होंने लहर निकाली और एक बदल दी पूरी पत्रकार साहित्यिक पत्रकारिता का पूरा एक जो एक दायरा था, जो एक उसका सांचा था, खांचा था, वो सब बदल दिया। उस ममता का जब मैंने उनकी वो पोस्ट लगाई उनके बारे में, तो ममता कालिया मेरे हेड नहीं है, उन्होंने बाकायदा वो उस पोस्ट पर आके उन्होंने कमेंट किया बहुत विस्तार से कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शर्त देते थे जब ममता कालिया कॉलेज में पढ़ा करती थी, उस दौर को उन्होंने उसमें शेयर किया। वो जब शुरू किया तो पहले शरद देवल जी के बारे में, फिर प्रकाश जैन के बारे में लेके मैंने लिखा, फिर आलम शाह खान जो कि समांतर कहानी आंदोलन के राज, पूरे का समांतर कहानी आंदोलन, क्योंकि आपको पता समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर जी क्यों चलाया, क्योंकि पुरानी कहानी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया था आजादी के बाद में। 50 के दशक में जब नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ, समाज के मूल्य बदल गए थे। जब मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव ने जब ये शुरू किया, तो जाहिर सी बात है जब कोई नई चीज शुरू की जाती है, पुरानी पीढ़ी सबसे पहले उसे ठेस पहुंचती है, उसकी भावनाओं को वो भावुक होकर सोचती है। तो मुखर विरोध किया उनके आंदोलन का जैनेन्द्र, ये भी जाहिर सी बात जब बने। और ये भी एक बनी हुई बात है, आप अपने समकाल में जब नया चीज कुछ लेके आते हैं तो आपके समकालीन उस चीज को नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि हर एक का मानसिक स्तर, सोचने का स्तर, सोचने का जो लेवल है वो अलग रहता है। वो उनके मन में कपट नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं भड़काए जाते हैं या बहकाए जाते हैं। तो वो भी हुआ उस समय इन लोगों के विरुद्ध खड़े हुए। अगर भैरव प्रसाद गुप्त नहीं होते तो हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भैरव प्रसाद गुप्त नहीं होते, कहानियां पत्रिका नहीं होती, तो ये लोग नहीं होते आज। और वैसा ही आगे हम देखते हैं ए कहानी आंदोलन में कौन तिल मिलाया सबसे पहले, नई कहानी आंदोलन के लोग, क्योंकि वो पुराने थे, उन्हें लगा कि नई चीजें क्यों। फिर वहां उनके समकालीनों को आपस में भिड़ाया गया, लेकिन प्रतिभाएं थी वे उभर के आई। उनमें हमने ज्ञानरंजन को ले सकते हैं, एक युग सर दिया ज्ञानरंजन ने, रविंद्र कालिया हो, काशीनाथ सिंह हो, दूधनाथ सिंह हो, और इन सबसे इन दोनों पीढ़ियों के बीच एक लेजेंड जिन्हें दबा दिया गया या हाशिए पर रख दिया गया, क्योंकि लेजेंड था, सबसे ज्यादा प्रतिभा थी, रमेश बख्शी नाम है उनका। कभी आप रमेश बख्शी को पढ़ेंगे उस दृष्टिकोण से जब पता चलेगा कि ये क्या चीज थी। तो उसके बाद समांतर कहानी, क्योंकि इन दोनों कहानी आंदोलनों की आग ढल गई थी और वरिष्ठों को एक चाहिए था कि दोबारा वो आए मुख्य धारा में। तो समांतर कहानी सत्र की शुरुआत में कमलेश्वर ने, उन्होंने अपने लिए कि वो कैसे न कैसे स्थापित हो उसमें, लेकिन उसमें जो एक नाम सबसे सब तरीके से उभर के आया वो राजस्थान के आलम शाह खान थे, पराई कोख पराई प्यास का किराए की कोख पराई प्यास का सफर मीरा जैसी कहानियां वो लेके आए थे। तो जब मैं उन पे लिख रहा था, मेरा उन पे पढ़ा हुआ, क्योंकि जब मैं लाइब्रेरी से किताबें निकाल के लेके आता था तो वो उनकी किताब पढ़ी मैंने, वो कहानियां पढ़ी हुई थी, लेकिन उस समय तक मेरे पास नहीं थी वो चीजें, याद नहीं थी, मेरे संज्ञान में नहीं थी कि उन पर जो मैं चीजें पढ़ी उनके उनका धन्यवाद क्या था। उनकी तस्वीरें नहीं मिली मुझे, मेहनत की उनके पास तस्वीरें नहीं मिली मुझे उनकी, उनके ऊपर सामग्री नहीं मिली, लेकिन बहुत मुश्किल से मिली, उन पे लिखा। फिर पानू खोलिया पर लिखा, पानू खोलिया बहुत से मेरे साथियों को भी नहीं पता था कि पानू, जैसे राम कुमार जी हमारी नहीं, बड़े लोग उन्हें हिमाचल साइड का कहें, लेकिन उनकी आधी उम्र तो राजस्थान में बीती है, उनकी कर्म भूमि राजस्थान रहे, डिडवाना पायली डिडवाना का जो क्षेत्र है वहां रहे हैं, कॉलेज शिक्षा में। तो ये एक लंबी श्रृंखला रही। फिर राजस्थानी के भी लिए, जैसे राजस्थानी और हिंदी के भी, जैसे हमारे राजस्थान के मेरे, मैं जिस इलाके से हूँ श्री गंगानगर जिले से, तले गंगाना हरमानगढ़ एक जिला था, तो यहाँ के ऐसे अद्भुत रचनाकार जो 80 के दशक के अंदर राष्ट्र, उन्हें हाशिए पर रखा गया, उन पे लिखना भी जरूरी था। उनमें से राम कुमार जी ओझा, करणदास जी बारठ, जनकराज जी पारीख। अब जनकराज जी पारीख जो थे कर्णपुर के थे हमारे, जनकराज जी पारीख जो थे उनकी जो पहली शुरुआती कविता जो दो चार छपी थी, वे 60 के दशक के अंत में राजस्थान से एक महत्वपूर्ण कविताओं की पत्रिका निकलती थी, कविता नाम से, हार्ड कॉपी मतलब वो जिल्द वाली पत्रिका थी वो एक मात्र।
कवि तिकड़ी जुगमिंदरताल जैसी नीरज भागीरथ भार्गव उसे निकाल सकते। फिर इसी में भी इनके बारे में भी लिखा था मैंने, इन तीनों को नहीं जानते आज के हमारे जो समकालीन लोग हैं, तो उन्होंने उसमें जनकराज पारेख के लिए लिखा था कि ये 20-22 साल का एक युवा आया है राजस्थान में, एक अलग ही स्वर है इसका, और वो वाकई सच थे, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं हुआ 80 के दशक के बाद, क्योंकि राजस्थान पूरे राजस्थान में भी कहीं ना कहीं राजनीति है कि किस क्षेत्र का कहां से किस विचार वाला कैसे स्थापित हो रहा है। भले आज हम लेखक संगठनों की इनकी बात करें, लेकिन एक उसके विचारों की दिशा, उसकी सरोकार बहुत मायने रखते हैं, किसी को स्थापित करने में, किसी को विस्थापित करने में, किसी को छोड़ दिए जाने में। जैसे सरल विशारद है बीकानेर के, अद्भुत कवि है वो व्यक्ति, हरीश बाथानी के साथी थे, आज भी वे तो खुद कहते हैं वे बिल्कुल ही छोड़ दिए गए व्यक्ति है। जब उन पर लिखा तो बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ। ये अभी मैं लिखा इसलिए कर रहा हूं कि मैं वो भूमिका बना दूं बातचीत में, ताकि वो कोई समझ आ जाए कि ये किस ये बातचीत चल रही है। तो जब सरल विशारद जी पर लिखा, और उसी समय बीकानेर के, आप माने यकीन नहीं कर, मेरी पीढ़ी के लोग यकीन नहीं करेंगे कि बीकानेर में राजानंद जी हुआ करते थे, अभी गुजरे कुछ ही समय पहले मैंने उन पर लिखा, और उनके लिखने के कुछ ही समय बाद में उनकी डेथ हुई। तो मुझे ये शंकर सिंह जी राजभवन का मैसेज, मेरी बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा कि तू यार कहाँ से निकाल के लिख के आए इन्हें, ये इन्हें तो बीकानेर के लोग ही नहीं इन्हें भूल चुके हैं, जबकि उस व्यक्ति का 1870 के दशक के हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण नाम राजस्थान में जो था बीकानेर का, वो यूं ही गुमनामी में चला गया। उन्हीं के साथ साथ अभी हरदर्शन सहगल जो अभी उम्र के अंतिम पड़ाव में है, उनपे जो लिखा, तो ये लिखा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि हम ऐसे दौर में हैं जब हम सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं किसी का, जब हम पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, हम अध्ययन का मतलब किसी विचारधारा, एक महान विचारधारा तक को हम सिर्फ गूगल सर्च के अध्ययन के चार एक आर्टिकल्स पढ़कर या किसी के संदर्भ की कोई किताब पढ़कर हम उस पर चर्चा करने लग जाते हैं, तो ऐसे दौर में जरूरी है इन लोगों को बचाए रखना जिन्होंने महत्वपूर्ण अवदान दिया अपना, और बहुत जरूरी है ये। और ये मैं बातचीत भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मसला जरूरी है, क्योंकि जब मैं इस पर लिखने लगा था तो मेरे ही कुछ साथी मित्रों ने मुझे काफी कुछ बातचीत होती है निजी दोस्तों की, तो बुरा भला भी कहा गया, यहां तक कहा गया कि क्या देश में शोषण खत्म हो गया, देश में भुखमरी खत्म हो गई है, जिस देश में अन्याय असमानता बेरोजगारी खत्म हो गई है, क्या तुम्हारे पास मुद्दा नहीं है जो तुम लिखने लोगों पर लिख रहे हो। उनका सीधा सा कहने का था कि समकालीनों पर भी लिखो, आगे लिखा जाना चाहिए उन पर भी, लेकिन वो एक प्रक्रिया में आती है वो चीजें, हम हमारी जड़ें नहीं पहचानेंगे, हम हमारी जड़ें ही नहीं संभालेंगे तो दरख्त की तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ, अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारे लोग पक्षधरता हम फेसबुक पर पैदा करेंगे, फेसबुक से पर इधर उधर बहस करते हुए हम कहेंगे, मानेंगे कि हाँ यहाँ बहस की हमारे सरोकार है या हमारे लोग धर्म है, तो ये हमारा वहम है। हो सकता है मैं भी इस वहम का शिकार हूँ या लंबे समय से रहा हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि एक लेखक के 72 के दशक के 80 के दशक के महत्वपूर्ण रचनाकार थे वो, अभी भी है, लेकिन वही बात है कि बहुत से लोग नहीं जानते हमारे, और मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने अपने अखबार में, अपने किसी न किसी पत्र पत्र में एक दो मेरे जो कॉलम चलाए हैं, वो वाकई में उनका बहुत बड़ा योगदान है इस मुहिम में कि उन्होंने भी ये पीड़ा समझी। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ अभी, उनका नाम बद्दी उजमा 70 के दशक के महत्वपूर्ण हिंदी रचनाकार थे। सफेद चूहे की मौत, छाकू की वापसी, मेरी दो उपन्यास उनके पढ़े थे, और कोई इसमें वैसे कोई वो बात नहीं कि हम जनरल बात कर रहे हैं तो कहने में कुछ वो नहीं है अच्छी होती कि मैं कॉलेज से एक बार दो किताबें चुरा के लेके आया था, बीए सेकेंड ईयर की बात है, सन 2006 में 2007 में की बात, 6 साल की, दो छोटी छोटी दो किताबें जो चुराई, छाकू की वापसी और सफेद चूहे की मौत। मुझे नहीं पता था उसके अंदर क्या है, बस मेरे को उस समय पढ़ना होता था,
पढ़ना होता था तो पढ़ते पढ़ते वो पढ़ जाता था, पढ़ गया वो दोनों किताबें भी, एक ही दिन 2 दिन में पढ़ गया, छोटे छोटे उपन्यास थे, छोड़ गया, भूल दिया, भूल गया, एक दशक बीत गया उस चीज को। उनकी कुछ कहानियां पढ़ी, फिर उनके जिक्र पढ़े, जैसे शेरचंद गर्ग ने जो दिल्ली की कॉफी हाउस चाय हाउस पर चाय घर पे जो अपने संस्मरण जो दिल्ली के लोग लिखते हैं उन्होंने भी लिखे, उस किताब में उनका थोड़ा बहुत जिक्र है। रविंद्र कालिया के संस्मरण हो तो ऐसे हो, वैसे देखा जाए तो उनका एक पहले एक छोटा हिस्सा छपा था जो उस किताब बहुत ही मार्की की बात कही है, ये वर्तमान कहानी यथार्थ से कटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब अगर मैं तो मुझे भी बाद में एक पाठक के रूप में खुद की कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे यही लगता है कि इसमें जड़ ही नहीं है इसमें, और अपने समकालीन पढ़ता हूँ वही आपकी जो पीड़ा है ये मेरी भी साझी ही पीड़ा है। तो उस अलग छोटी शराब है रविंद्र कालिया की, उसके शुरुआत में जो एक भूमिका है, भूमिका टाइप एक बड़ा एक अध्याय है कॉमरेड मोनालिसा, वो कॉमरेड मोनालिसा उनकी पहली संस्मरण किताब थी, गालिब छोटी शराब उसका विस्तार है। तो उस कॉमरेड मोनालिसा में जो उनके संस्मरण थे आप देखिए उस व्यक्ति की ईमानदारी और उसकी निर्दयता कि उन्होंने जिन लोगों पर निर्दयता से लिखा, खुलकर बेलाग लिखा, जो वो उस समय जिंदा थे, धर्मवीर भारती जिंदा थे, अष्ट जी जिंदा, और उनके बारे में क्या लिखा उन्होंने आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, सोच सकते समझ सकते हैं। कमलेश्वर जी भी जिंदा थे, राकेश जी भी उस समय जिंदा थे, राकेश जी उनके प्रिय थे, तो उसमें उनका थोड़ा जिक्र आता है बद्दी उज़्मा का। लेकिन जब इस पर ढूंढा मैंने कहीं नहीं मिला मुझे, आप जैसे गूगल की पीढ़ी है भले आज कई बार लोग टोक देते हैं कि तुम उसमें हमसे पूछ रहे हो उसमें ढूंढो, फिर याद आता है गूगल भी एक चीज है, फिर उसमें तलाशते हैं, तो उसमें भी नहीं मिला उसमें को उनके पढ़ने का। संख्या जी उपाध्याय ने मुझे 3 पेज दिए तो वो बहुत काम के पेज थे, लेकिन मैं उस पर आर्टिकल नहीं लिख पाया क्योंकि मेरा वो पढ़ा जो हुआ था दो उपन्यास उनके वो बहुत पहले के पढ़े हुए थे। मुझे उनकी कथा की जो जो आत्मा थी वो तो पता थी लेकिन वो चीजें नहीं पता थी। फिर उनके मैंने सारों से पता किया लेकिन बद्रीजा के बारे में मुझे उनके समकालीनों से भी नहीं चीजें पता चली। तो आप देखिए कितनी बड़ी ये विडंबना है कि चीजें नहीं मिलती, और वो चीजें नहीं मिलने का क्या मतलब हुआ कि आप अपने ही पूर्वधाओं का जो एक पूरा युग है उसे खो रहे हैं। इसको बहुत से लोग छोटी चीज, क्योंकि हमारे सरोकार है उस हिसाब से हम सोचते हैं चीजों पर, तो उनके बारे में नहीं मिला मुझे। तो हार के रख कर मेरे को एक बार कैसे ही ध्यान आया मुझे, तो मैंने बद्दी उज़्मा के बारे में असगर वजाहत को ईमेल भेजा, किसी चीज ईमेल लिया मैंने तो असगर वजाहत को ईमेल भेजा, मैंने कहा मेरे को बद्दी उज़्मा के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा क्योंकि वे व्यस्त रहते हैं, उन्होंने कहा आप शाज़ी ज़मान से बात, और मुझे पहली बार पता चला शाज़ी ज़मान बद्दी उज़्मा के बेटे हैं। फिर मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप, उनसे बात की, तो उन्होंने किसी को क्या मैं भेज दूंगा। मैं उस समय महाराष्ट्र में था, अभी वापस भी निकलना है, महाराष्ट्र में था और मेरे रहने का उस समय का कोई वो नहीं था कि मैं कोई डाक वगैरह मंगा लूँ, तो मेरे से संपर्क छूट गया कैसे किसे? वापस मैंने वहां पकड़ा उनको, तो उन्होंने एक व्यक्ति का नंबर दिया जो उन पर पीएचडी कर किया जिन्होंने इंगोली जो हमारे उधर वर्धा साइड के महाराष्ट्र साइड के। लेकिन अब आप देखिए कि जब मैंने उन्हें कहा कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे समकालीन भी नहीं जानते हैं कि उनकी जड़ें कहाँ हैं, उन्हें कहाँ जड़ें लगानी हैं, क्योंकि इसको बहुत से लोग अच्छी चीज भी मानते हैं, बहुत से बुरी भी मानते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जब उनको कहा मैंने कि मेरा ये उद्देश्य, उस व्यक्ति ने मुझसे नहीं सीधी बात ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने इस पर पीएचडी की है, आप ये किताब मंगा लीजिए, मैंने तो प्रकाशक का बता दीजिए, मंगा लेता हूँ। तो वापस वो किताब शाज़ी ज़मान से बात कीजिए, वो आपको प्रकाशक बताएंगे। ये है हमारे पुरोधाओं के उन जरूरी रचनाकारों के लिए आज का समय में लोगों का दायरा, उनकी सोच का दायरा। तो ये मुझे लगता है कि जरूरी हो जाती है बातें इन पे करना, भले ही एक आर्टिकल लिखा हो लेकिन उस आर्टिकल लिखने की प्रक्रिया कितनी अलग तरीके की होती है, और वो उस आर्टिकल के मार्फत कितनी लोगों, अगर दो लोग भी उसे एक रचनाकार पर गंभीरता से ले लिया, ये किसी व्यक्ति ने लिखा है कि क्या आप
जैसे पुनतुन भाई साहब आए, मेरे छोटे भाई, मैंने क्या क्या पुनतुन गुदारा को जानते हैं, तो अगर दो लोग भी पुनतुन गुदारा पर फोकस करते हैं तो वो जीवन है पुनतुन गुदारा के लिए, और वो मेरा लिखने की सार्थकता है। तो इस सीरीज की यह जरूरत है मेरी नजर में तो। और साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे मित्र ने कहा कि क्या देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय, छल, छंद, कपट खत्म हो गए, जो आप लेखकों पर लिख रहे हैं, आपकी सृजनात्मकता खत्म हो गई है क्या? तो उसका यही कि सृजनात्मकता व्यक्ति की खत्म नहीं होती है जब तक कि आप खुद भीतर से गिर लें, सृजनात्मकता खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपने संघर्ष। लेकिन अगर मैं उस प्रतिरोध का लिख रहा हूं तो मेरे यह भी दायित्व है कि मैं उस प्रतिरोध को भी बचाऊं, जो संस्कृति, जिस संस्कृति से मैं आगे के रचनाकारों, युवा जो पीढ़ी आ रही है, पाठकों की, लेखकों की, उन्हें यह भी बताऊं कि भविष्य उनके लिए विजेंद्र भी कुछ चीज थे, उनके लिए हरीश बाधानी भी थे, मोहम्मद सद्दीक भी थे, राजानंद भी थे, उनके लिए शरद देवड़ा थे, प्रकाश जैन थे, मणि मधुकर थे, तेज सिंह जोधा थे, गोवर्धन सिंह शेखावत थे, अपने पारस अरोड़ा थे, प्रमोद जी शर्मा हैं, लेकिन लेकिन हम उस अपनी चेतना के स्तर को हम थोड़ा उस तरफ लेके जाएं तो हम पाएंगे कि हम अपने सोच के स्तर को उस तरफ, आज कहाँ हम प्रमोद जी को उस तरीके से देख रहे हैं, करोड़ इथरली कहाँ है, जबकि करोड़ इथरली जैसा उपन्यास नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति कोई लिख सकता है। तो ये इस एक रचनाकार पर लिखने का, एक युवा का जो दायित्व है मेरी नजर में वो है। और ये सीरीज जो पहले 3 महीने लगातार चली थी, और उन 3 महीनों में जितने भी रचनाकारों को लिखा गया था, उनमें से आप सभी आदमियों को, समकालीनों को पता है कि एक भी बिना महत्वपूर्ण नहीं था। हाँ उसमें जो एक गड़बड़ जो हुई वो संबंधों का बिगड़ना, क्योंकि आप जब किसी के बारे में लिख रहे हैं तो आपकी ईमानदारी रहती है उसमें, और आप लिख तो रहे हैं शरद देवड़ा पर, आप लिख रहे हैं पान पर, आप लिख रहे हैं डॉक्टर राजानंद पर, और आप लिख रहे हैं उसी समय में क्या नाम, तेज सिंह जोधा पर, लेकिन आपसे तब उम्मीदें की जाती है कि आप उन पर लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो उम्मीद पूरी नहीं होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब आप इस अपने उन रचनाकारों पर लिखते हैं जो अतीत में हैं, जिन्हें अतीत बनाया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी का जो युग है, इसमें जो यांत्रिकी बढ़ी है ज्यादा, आदमी का भी उस दौर में जब आप उन्हें लेके आ रहे हो जिन्हें उनके समकालीनों ने या उनके समकालीन या उस दौर के बड़े कुछ ऐसे मानवीय सोच के लोगों ने जिन्हें दबा दिया हो, आप उनको आगामी दौर में जब लेके आएंगे तो हलचल होनी जरूरी होती है, एक स्वाभाविक भी है, वो होती भी है, उसके आप उस पर लिख रहे हैं तो आपको उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं, आप अपने समकालीन मित्रों से कट जाते हैं, काट दिए जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग महत्वाकांक्षा रहती है। और इसी में चलते चलते मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक और रचनाकार के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, और जब मैं नाम लिखूंगा तो ऐसे 18-19 ऐसे होंगे जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वो उसे पढ़ेंगे, तलाशेंगे, कहीं मिल जाएंगे, लेकिन वो वहां ये नहीं लिखेंगे ये कहां से मिलेगा, वो वहीं ये लिखने की कोशिश करेंगे कि आपने फलां पर क्यों नहीं लिखा। ये ऐसे इश्यू होता है जो है वो भी कहीं ना कहीं रोक रही है उन लोगों को जो हमारे लिए एक बीज। अब जैसे मैंने बद्दी उज़्मा का जिक्र किया, तो बद्दी उज़्मा क्यों जरूरी है, बद्दी उज़्मा की छाकों की वापसी, स्पेस विमो छाकों की वापसी जो उपन्यास दो आप पढ़ेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि विभाजन पे भारत में या भारतीय साहित्य में काफी कुछ लिखा गया है, खास करके पंजाबी में। संताप 1947 नाम से तो हमारे मित्र है, मेरी समकालीन मित्र पंजाबी के पर चीज, लेकिन वो हिंदी में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि अनुवाद करने की भी तो एक प्रक्रिया है कि हम
हम समकालीन चीजों का अनुवाद कैसे कैसे किस तरीके से कर रहे हैं, वो सारी चीजें दब जाएगी। लेकिन आप देखिए कि विभाजन की जो कहानियां हमारे सामने हैं, ऐतिहासिक है, हमारे पास झूठा सच है, हमारे पास तमस है, हमारे पास कृष्ण बलदेव वेद का गुजरा हुआ जमाना और उसका बचपन है, हमारे पास और भी चीजें हैं, हमारे पास मंटो है, पूरा पूरा मंटो, जिसका अगर पृष्ठभूमि में ना रही तो वो टोबा टेक सिंह है हमारे पास, कृष्णा सोबती पूरी है, जिंदगी नामा एक अपने आप में एक क्लासिक है विश्व साहित्य का। तो जितना कुछ भी लिखा गया ज्यादा से ज्यादा वो हम इस विभाजन पर देखते हैं जो पश्चिमी सीमा पर। लेकिन बद्दी उज़्ज़मा का जो उपन्यास वो विभाजन का वो रूप दिखाता है जो बांग्लादेश की तरफ का है, जिसमें नोआखली दंगे हैं, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें उड़ीसा, जिसमें बिहार, जिसमें बंगाल और असम प्रभावित हुई, उनकी पीड़ाओं को पहली बार लेके आते हैं। और वो हिंदी में उपन्यासों का जो काम विभाजन पर हुआ उसको देखते हुए एक अद्भुत काम था, लेकिन बद्दी उज़्ज़मा नहीं है हमारे लिए जाने पहचाने। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उस चीज को सहेजें और इस पूर्वाग्रह से निकलें कि हम समकालीन जो स्थितियां हैं उस पर मौलिक क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का जो पूर्वाग्रह वो ये रहता है कि आप उनसे विचार साम्य क्यों नहीं हो रहे हैं। आप अगर बद्दी उज़्ज़मा पर लिख रहे हैं तो बद्दी उज़्ज़मा उनके वैचारिक रूप से कहीं नहीं काट रही होंगी, लेकिन बद्दी उज़्ज़मा के या आलम शाह खान के या शरद देवड़ा के या प्रमोद शर्मा के, जैसे अभी दो दीपक शर्मा के, दीपक शर्मा हिंदी साहित्य में इस समय तक पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली सबसे ज्यादा छपने वाली महिला है, लेखिका है की उम्र, लेकिन वे उस तरीके से नहीं जानी जाती है हिंदी में जिस तरीके से ममता जी कारिया जानी जाती है, इस तरह से उद्गल जानी जाती है, लेकिन उनका एक्सटेंड अलग है। तो वो चीजें इसलिए जरूरी हो जाती है। आपको अगर आप ये देख के चलेंगे इस पे कि आपको उसमें क्या मिल रहा है, आप कहाँ मुकाम पा रहे हैं या आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे, आप उस छोटे भाग जाएंगे और वो गैर जरूरी भी लगेगा। लेकिन गैर जरूरी इसलिए वो नहीं हो जाता क्योंकि एक आंधी आई है फेसबुक के इस दौर में रचाओ की, आपको हर जगह लिखने वाला मिलेगा, हर एक जगह लिखने वाला मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे ही खराब है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रचाओ की आंधी आई है, भले वो क्राफ्टिंग की हो, तो जब रचाओ की आंधी आई है तो इस रचाओ की आंधी को भी तभी रोका जा सकता है कि इसमें से कोई बेहतरीन निकले, वो तभी निकल के आ सकते जब इनकी नजर उन लोगों पर पड़ेगी कि ये क्या मिस कर दिया है हमने, कि ये हमने क्या मिस कर दिया है। और ये भी एक बनी हुई बात है, जब आप भगीरथ भार्गव पर लिखेंगे या जुगमिंदर तायल पर लिखेंगे आप, या लिखेंगे उन्हीं के तिकड़ी में ऐसी नीरज पर, या उन्हीं के समकालीन जो दूसरे राजस्थान राजस्थान के दूसरे हिस्सों में, जैसे मैंने बताया उनका क्या नाम है, प्रकाश जैन पर, तो आप ये मान के चलिए कि प्रकाश जैन जब अपना वो लहर का संपादन कर रहे थे और उन्हें किसी को उस दौर में जो भी होता जो आज वरिष्ठ है उन्हें उसको ठीक नहीं समझा होगा, उसको नहीं दिया होगा स्पेस, कोई गलत चीज देख ली होगी, और आज भी कुछ बेहतरीन जगहों पर है साहित्य में या किसी भी क्षेत्र में, तो आप तो रहना चाहिए इस चीज के लिए कि वो आपका कैसे कहाँ नुकसान होगा। अगर आप वैचारिक रूप से अपरिपक्व है, वैचारिक रूप से खाली हैं, सिर्फ भावुकता के साथ काम कर रहे हैं, तो ये तमाम नुकसान भी रहते हैं। लेकिन आपके सरोकार एक मिशन है आपका कि जब हम नाम सुन रहे हैं ऐतिहासिक विरासत के रूप में, कि आगामी सदियों तक वो नाम नहीं भूले जाएंगे, दोस्तोवस्की का, टॉलस्टॉय का, चेखव का, मार्केस का, मैकियावली का नहीं बोला जाएगा, गोरकी का नहीं, गोगोल का नहीं बोला जाएगा, एप्टन सिंक्लेयर का नहीं बोला जाएगा, बालजाक का नहीं बोला जाएगा, नगुबुवा थैंगू का नहीं बोला जाएगा, मरियम बा का नहीं बोला जाएगा, को नहीं बोला जाएगा, ये इतिहास का माइलस्टोन बन गया, प्रेमचंद का नहीं बोला जाएगा, शरचंद्र का नहीं बोला जाएगा, अन्नाराम सुदामा का भूल जाएगा,
जाहिर सी बात है भूला जाएगा, क्यों? क्योंकि मेवाड़ा रूख जो है वो भारतीय भाषाओं के साहित्य का एक माइलस्टोन है, एक ऐसा माइलस्टोन है जिसका न केवल हिंदी में बल्कि पंजाबी में, मराठी में, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में अनुवाद होना था, उसको अंग्रेजी में अनुवाद होना था, हर एक जगह वो होना था, और आज के समकालीन जो रचनाकार उनके सामने वो रखा जाना था, जैसे हम गोदान गबन रख रहे हैं। यूं नहीं कह रहा हूं उनमें आप प्रेमचंद में आपको बिठा नहीं रहा हूं, मैं एक सरोक भाषाई सरोकारों की बात कह रहा हूं, एक रचनाकारों की। तो इन्हें बुला दिया जाएगा, वैसे बुलाया भी जा रहा है, क्योंकि जो आंधी उठती है हम जब लगातार रहते हैं उस अपने में ही, तो हमें दूसरा, और ये बुरी बात नहीं है कि बुरी बात नहीं है जब हम कहते हैं कि क्या आप अपने लेखक के बारे में जानते हैं, तो उस लेखक के बारे में जानने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके नाम को जानते हैं, यहाँ हम ये जानते हैं कि उन्होंने इतने उपन्यास, इतनी कहानियां, इतने अनुवाद, आलोचना का काम किया है, हमें उनके सरोकारों को जानना पड़ता है। अन्नाराम सुदामा के बारे में लिखा था, तो मेरे ही जो मित्र साथियों ने उस पर जो कही गई बात, सबको पता है कि मेवाड़ रूख एक ऐतिहासिक चीज है। वहां जैसे मेवाड़ रूख पर जब लिखा तो अन्नाराम जी पर, तो मेरे ही साथियों को सबको उनको पता था कि मेवाड़ रूख ऐतिहासिक चीज है, लेकिन विडंबना हमने पढ़ी नहीं क्योंकि वो उपलब्ध नहीं, उपलब्ध है बहुत कम जगह है, लेकिन आगे नहीं आने दिया जाता कई चीजों को। बात नहीं है किसी के बुरा सोचने की, किसी के बारे में बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी के बारे में बुरा सोचने की बात नहीं, लेकिन ये जो मेरा निजी अनुभव काश में, क्योंकि जो किताबें उस समय मैं एक पूरा भंडार है, जैसे मेरे भंडार किया मतलब जो मैंने इकट्ठा किया कर की थी, जो अच्छे बुरी तरीकों से जो पढ़ी थी, जो जिन रचनाकारों के बारे में बाद में पता चला कि सही से लायक लिखा जाना चाहिए, जब लेखन की इसकी शुरुआत की तो उसके दौरान कुछ ही रचनाकारों को भी तलाश करना जो पड़ा, तो जो मुझे जो अनुभव मिले जो जीवन भर नहीं भूले जाएंगे, और जिसके लिए एक पूरा पूरा अजीब सा एक कुछ चीज, तो वो पूरा एक जो चीजें क्रिएट हुई वो दर्शाती है कि वाकई अब क्रिएट हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आलम शाह खान को ढूंढ के दोबारा पढ़ा उनको, तो वो उसके पीछे कितनी मुश्किलें आई, सफेद चूहे की मौत और छाकों की वापसी समेत कुछ और भी चीजें मिल जाएंगी बदी उस्मान, लेकिन जैसे कि कहा मैंने कि अच्छी बुरी तरीकों से मेरे को किताबें लेनी पड़ती थी, और आज भी दौर को से वैसा ठीक नहीं है, तो वहां उस पूरी यात्रा में भले वो छोटी रही यात्रा, जो अनुभव मिले वो अनुभव सबसे बड़ी कमाई थी, और उन अनुभवों ने पक्का कर दिया कि वाकई में प्रमोद कुमार शर्मा, तो वो उन अनुभवों ने भले वो अनुभव थोड़े थे सीमित थे, तो उन्होंने पक्का कर दिया कि प्रमोद कुमार शर्मा को बचाने तो क्लोड इटली को बचाना है, प्रमोद शर्मा के देह को नहीं बचाना है, हमें अरविंद राया को बचाना है, हमें बीज को बचाना है। बीज कविता अगर आपने लंबी पढ़ी होगी, तो आपने सड़क पर उतरा ताजमहल पढ़ी होगी, तो आपने कह कमला एक कहानी जो भी थी, नहीं पता मेरे समकालीनों को कि वो कथा देश में कितनी चर्चित कहानी रही थी, तो इन चीजों को बताया जाना जरूरी। आज राजाराम जी बहादुर को हम नहीं सहेजेंगे, तो आने ये वाली पीढ़ी तो राजाराम बहादुर जी से वैसे काम ले लेगी, लेकिन उनको सहेजना फिर इसी पीढ़ी को रहेगा, क्योंकि अगली पीढ़ी को अगर राजाराम बहादुर है भले ही, भले जीवन सिंह है, भले ही रामसूर किसान है, मंगत बादल है भले ही, या राम कुमार ओझ है, अगली पीढ़ियों को उन्हें, तो बस यही कहते हुए विदा लूंगा कि उन रचनाकारों को सहेज कर अगर अगली पीढ़ी को देना है, तो उसके लिए हमें पहले मानवीय ईमानदारी का हमारे भीतर होना बहुत जरूरी है। बौद्धिक वहम या बौद्धिक जब हम उस एक जहनी अय्यासी में गिर गए या जहनी अय्यास बन गए, तो हम वो चीज नहीं कर पाएंगे जो हमें करनी चाहिए, या जो इस पूरे दौर के बेहतरीन पाठकों ने, बेहतरीन लेखकों ने, अपने पुरोधाओं को जिन्होंने को बचाया रहा हमेशा के लिए, उन्हें स्थायी करके छोड़ दिया, वो बोले चेखक हो, मार्क्सवेज हो, बोले अपन सिंक्लेयर हो, प्रेमचंद हो या शरत हो, नाम पे दसाल और पास्ट अगर जिंदा है तो वो उनके लिए, तो लोग जब तक है वो जिंदा रहेंगे, लेकिन इनके लिए जरूरी है इन्हें सहेजा जाना, इन्हें बचाया जाना, क्योंकि दोबारा कोई छाकों की वापसी लिखने वाला रचनाकार पैदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया रितु जी।
रचनाकार पैदा नहीं हुए दोबारा, जो ठाकुर की वापसी लिख दी, हमें वाला रूप लिख दिया। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।